हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो ये मेरा 3x3 रूबिक्स क्यूब है। तो जैसे इसको मैं कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेता हूँ। आपका भी दिल चाहता होगा कि आप अपने दोस्तों को देखते हुए, स्कूल फ्रेंड्स को देखते हुए, कजन को देखते हुए कोई ना कोई एक क्यूब सॉल्व करता होगा, और आपका भी दिल चाहता होगा क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि क्यूब के होते हैं चार पार्ट। सबसे पहला होता है कि आपको बनाना होता है एक प्लस। वो ये देखें, जैसे ये बना हुआ है प्लस, ये देखिए प्लस बना हुआ है। सबसे पहला पार्ट ये होता है, और इसके होते जो एच पीस, ये होते हैं कॉर्नर पीस और ये होते हैं एच पीस, और इनको कहते हैं मिडिल पीस। जैसे ये मैच हुए हैं, एच पीस और मिडिल पीस के कलर मैच हुए हैं, हमने इस तरह का प्लस बना था जो कलर मैच होते हैं, तो इसको भी हम करते हैं। और दूसरा स्टेप होता है कि फर्स्ट लेयर। ये देखिए, जैसे फर्स्ट लेयर मैंने ये बनी हुई है फर्स्ट लेयर, ये देखिए इसे कहते हैं फर्स्ट लेयर जो पूरी सॉल्व होती है। फिर हम बनाते हैं सेकंड लेयर, ये होती है सेकंड लेयर, ये देखिए ये भी सॉल्व है। पहले पार्ट में था कि हमें प्लस बनाना होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर जैसे थर्ड लेयर बनती है तो आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो जाता है। तो इस वीडियो के आएंगे फोर पार्ट। तो ये पहला पार्ट है, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्रॉस कैसे बनाते हैं। ये है क्रॉस, ये देखिए ये है क्रॉस। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। उससे पहले भी आपने इसकी सीखनी कलर स्कीम। तो ये है वाइट, इसको ऑपोजिट कलर है येलो, वाइट एंड येलो। वाइट का ऑपोजिट है येलो, येलो का ऑपोजिट है वाइट, और ऑरेंज का ऑपोजिट है रेड, रेड का ऑपोजिट है ऑरेंज। तो ये आपने कलर स्कीम सीखनी है। जैसे ग्रीन का ऑपोजिट है ब्लू, और ब्लू का ऑपोजिट है ग्रीन, ये देखिए। अब जैसे ये वाइट है, इसका ऑपोजिट येलो, ऑरेंज का ऑपोजिट रेड, ब्लू का ऑपोजिट ग्रीन। ये अगर आप याद कर लेना कलर स्कीम, तो मतलब आप समझेंगे कि आपको क्यूब सॉल्व करना आ गया है। तो चलें मैं इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो ये हो गया क्यूब स्क्रैम्बल। तो जैसे मैंने बताया था, ये होता है एच पीस, ये होता है कॉर्नर पीस, और ये होता है मिडिल पीस। जो मिडिल पीस होता है ना, वो अपनी जगह से कहीं नहीं हिलता। कि हम जैसे मिडिल लेयर को ला लेंगे, ये अपनी जगह पे रहेगा लेकिन हिलेगा नहीं। अब जैसे ये, इसको मैं हिलाऊंगा तो इधर आ जाएगा, पहले इधर था इधर आ गए। तो जैसे एच पीस और कॉर्नर पीस हिल सकते, मिडिल पीस अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो हम बनाते हैं वाइट का क्रॉस। तो सबसे पहले आपने कोई ढूंढना है, कोई वाइट का एच पी ढूंढना है, जो जिस जो वाइट और ब्लू, वाइट और ऑरेंज, वाइट और ग्रीन और वाइट और रेड, इनमें से आपने सबसे पहले कोई एच पी ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं, तो सबसे पहला एच पी मुझे ये मिल गया वाइट और रेड का। तो जैसे देखिए, ये इजिली मैं इसको इधर इंसर्ट कर सकता हूँ, इसके साथ लगा सकता हूँ। मैंने क्या किया, जो इसको हम कहते हैं राइट लेयर, ये लेफ्ट लेयर, ये अप लेयर जो ये वाली होती है, और जो नीचे रही थी इसको कहते हैं डाउन लेयर, और जो फ्रंट लेयर होती है जो हमारे फेस का रहती है हमें, उसे कहते हैं फ्रंट लेयर। और ये बैक लेयर, अभी इतनी फ्रंट लेयर बैक लेयर याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये देखिए, अब ये जैसे इसको मैं राइट लेयर को डाउन करूँगा, तो ये वाइट के मिडिल पीस के साथ वाइट का एच पी जुड़ जाएगा। तो हमने सबसे पहले हमने सारे इनके एच पी जोड़ने हैं वाइट वाइट के मिडिल पीस के साथ। अब जैसे मैं देखता हूँ और कोई एच पी जो आसानी से लग पाए, वो है ये मिल गया मुझे वाइट और ऑरेंज का। अब इसको भी जैसे हमने इसको किया था, जैसे ये राइट लेयर पर था, इसको मैंने डाउन कर दिया तो ये भी हो गया। अब मैंने इसको इधर फेस किया, अब मैंने देखा इसको मैं कैसे इंसर्ट करूँगा, तो इसको मैं वापस डाउन करूँगा, और ये देखें ये हमारे दो पीस हो गए इंसर्ट। और हमें अभी और बाकी करने हैं दो पीस और इंसर्ट, एक इधर और एक इधर। तो अब मैं ढूंढता हूँ दूसरा तीसरा एच पीस किधर है, वाइट और ग्रीन का, वाइट और ब्लू का। तो ये मुझे मिल गया वाइट और ग्रीन का एच पीस, ये देखें ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको मैंने लगाना है क्या तो इधर क्या तो इधर। तो मैं देख सक तो सबसे मुझे इजी लगे कि मैं इधर लगा सकता हूँ। तो आपने करना है, ये डबल लेयर है, इसको आपने कर देना है एक दफा राइट साइड पर टर्न, इसको आपने दफा राइट साइड पर टर्न कर देना है। अब जैसे क्या था कि राइट लेयर को हमने डाउन किया था,
तो ये जैसे ही डाउन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। अब हमें देखना है तीसरा वो हमारा चौथा और आखिरी पीस कहाँ है। तो ये जैसे दिख रहा है कि ये है व्हाइट और ब्लू का आखिरी पीस। तो इसको हम जैसे इतनी इजी है क्यूब को बनाना, बस हमें समझना है। फिर बहुत इजी क्यूब है। तो जैसे राइट लेग को डाउन करेंगे तो ये आप देखिए, ये इसको मैं कौन सा पीस उठाया था, तो ये आप देखिए ये हमारा एक प्लस बन गया। लेकिन अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ये जो प्लस मैंने बनाया था ना, इसका जैसे व्हाइट और रेड, रेड का सेंटर पीस के साथ इसका कलर मिला हुआ था, व्हाइट और ब्लू का इस पीस ब्लू के साथ इसका सेंटर पीस का कलर मिला हुआ है, जैसे मिले हुए हैं, मतलब रेड रेड, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन। हम इधर देखते हैं कि इधर हो रहा है, इधर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज रेड, ग्रीन ऑरेंज रेड, ब्लू ब्लू। तो आपने सबसे पहले एक ठीक ठीक कलर को कर देना, अगर दो हो रहे तो वो ज़्यादा ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, अब ये मिल रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि कैसे हम इन कलर को मिलाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरे सामने है ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन का एचपी। तो अब देखिए ग्रीन का मिडिल पीस किधर है, इधर। तो ये है ग्रीन का मिडिल पीस। अब आप सोचे मैं इसको कैसे इधर लगाऊंगा। तो अब आएगा फ्रंट लेयर का यूज। तो अब होगी फ्रंट लेयर यूज। तो अब मैं जैसे इसको F2 करूंगा, F2 ये देखें, ये जैसे इधर है, F2 करूंगा मैं, ये आ जाएगा इधर नीचे। ये देखें पहले ऊपर से F2 किया, ये आगे नीचे। अब मैंने इसको जोड़ना है इसके साथ। तो अब मैं डाउन लेयर को राइट साइड पे कर दूंगा मूव। तो देखिए व्हाइट ग्रीन ग्रीन मैच हो गए। मैं जैसे इसको